विंटर का मौसम अब शुरू हो चुका है। इस समय हम अपने गार्डन में ढेर सारे सीजनल फ्लावर्स, सीजनल वेजिटेबल्स और भी बहुत सारे पौधे को ग्रो करते हैं, लेकिन हमें ये ठीक से समझ नहीं आता कौन सा फर्टिलाइज़र यानी कौन सा खाद हम कब अपने पौधे में दें और कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करने से अपने पौधे को बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए आज का ये वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको फर्टिलाइजर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में नहीं होगा और आपको बार बार यूट्यूब पे सर्च भी नहीं करना पड़ेगा कि कौन से पौधे के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र बेस्ट है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कौन सा फर्टिलाइज़र पौधे में कब देना चाहिए और किस तरीके से देना चाहिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज मैं जो फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूंगा वो स्पेशली सीजनल प्लांट्स के लिए है। अगर आपको परमानेंट प्लांट्स के ऊपर भी इस तरीके का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में अगर 100 लाइक आ गए तो मैं परमानेंट प्लांट्स के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। सीजनल प्लांट्स के लिए हमारा जो पहला और सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो है मास्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसे बनाने के लिए आप 50 ग्राम मास्टर्ड केक 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से 7 दिन भिगो लीजिए और हर दिन इसको अच्छी तरीके से मिला दीजिए। 7 दिन के बाद आप इसके साथ 5 लीटर पानी और मिला दीजिए। उसके बाद हर एक पौधे में 1 ग्लास करके इस फर्टिलाइज़र को डाल दीजिए। इस फर्टिलाइज़र को आप हर 7 दिन में एक बार आपके पौधे में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हर 7 दिन में इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में नहीं डाल सकते तो हर 15 दिन में एक बार भी आप इस फर्टिलाइज़र को दे सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र में जो NPK का रेशियो होता है वो होता है 4:1:1, यानी 4% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस और 1% पोटाशियम। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने से आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा और इसके साथ साथ इस फर्टिलाइज़र में काफ़ी अच्छा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होता है जो अपने पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मास्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पहले आप 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, आप हमेशा सुबह सुबह यानी अर्ली मॉर्निंग को ही इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में अप्लाई करें। दूसरा, आप कभी भी सूखे मिट्टी में इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में ना दें। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले अपने पौधे की मिट्टी में अच्छी तरीके से पानी दे दें। उसके बाद अगले दिन ही इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में डालें। और तीसरा, आप कभी भी जब अपने पौधे में फ्लावर्स आने लगे तब इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई ना करें, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र स्पेशली पौधे के ग्रोथ के लिए है और अगर हम फ्लावर्स आने के बाद भी इस फर्टिलाइज़र को देते रहे तो अपने फ्लावर्स के ऊपर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा और अपने पौधे में उतना अच्छा फ्लावरिंग नहीं होगा। सीजनल प्लांट्स के लिए हमारा जो दूसरा फर्टिलाइज़र है वो है DAP फर्टिलाइज़र यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट। इस फर्टिलाइज़र में 18% नाइट्रोजन और उसके साथ साथ 46% फॉस्फोरस होता है जो अपने पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पौधे की ग्रोथ के साथ साथ पौधे का जो रूट्स होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप करते हैं और पौधे में बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं DAP फर्टिलाइज़र को किस तरीके से अपने पौधे में अप्लाई करना है। इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने से पहले आपके पॉट का साइज़ देख लीजिए। जैसे कि अगर आपने 8 इंच के पॉट में आपके पौधे को ग्रो किया है तो आप DAP के 8 दाने आपके पॉट में छिड़क दीजिए। आप कभी भी इस फर्टिलाइज़र को ज़्यादा मात्रा में अप्लाई ना करें, इससे फ़ायदे की जगह पर नुकसान ही होगा। 8 इंच के पॉट के लिए 8 दाने, 10 इंच के पॉट के लिए 10 दाने, 12 इंच के पॉट के लिए 12 दाने, इस तरीके से ही अपने पौधे में इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई करें। कुछ इस तरीके से आप इस फर्टिलाइज़र को आपके पॉट के चारों तरफ छिड़क दीजिए और मिट्टी में अच्छी तरीके से गुड़ाई कीजिए और उसके बाद पानी दे दीजिए। इस तरीके से आप हर 7 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं या फिर हर 15 दिन में एक बार भी इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में अप्लाई कर सकते हैं।
पौधे का अच्छा ग्रोथ और भरपूर फ्लावरिंग के लिए पौधे में एक अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए हमारे लिस्ट का जो तीसरा फर्टिलाइज़र है वो है सीवीड फर्टिलाइज़र। सीवीड फर्टिलाइज़र में भरपूर मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो अपने पौधे का ग्रोथ तो इंक्रीज करता ही है और इसके साथ साथ पौधे में ढेर सारा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी करता है। सीवीड फर्टिलाइज़र दो तरीके के मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक तो होता है ग्रैनुलर, जिसे आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, आप मिट्टी में इसे अच्छी तरीके से छिड़क दीजिए। आप हर 8 इंच के पॉट के लिए करीब 1 टीस्पून सीवीड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मिट्टी में अच्छी तरीके से गुड़ाई कीजिए और पानी दे दीजिए। इस तरीके से आप हर महीने एक बार इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में डाल सकते हैं। सीवीड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है, इसे पौधों में स्प्रे करना। इसके लिए आप 1/2 टीस्पून सीवीड 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिला लीजिए। उसके बाद आपके पौधे में इसका स्प्रे कीजिए। इसको भी आप हर महीने एक बार आपके पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। सीवीड के बदले अगर आप चाहे तो कोई और अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि एग्रोमिन मैक्स या फिर एग्रोमिन गोल्ड, इनका भी इस्तेमाल हर महीने एक बार आपके पौधे में कर सकते हैं। ग्रैनुलर के बदले अगर आपके पास सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो आप उसे ही महीने में एक बार आपके पौधे में अप्लाई कीजिए। उसका जो डोज होगा वो बोतल में लिखा होगा। हमारे लिस्ट का जो चौथा फर्टिलाइज़र है, इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पौधे में ढेर सारा फ्लावरिंग होगा और इसके साथ साथ आपके पौधे में ढेर सारा फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स लगेंगे। इस फर्टिलाइज़र का नाम है SOP, यानी सल्फेट ऑफ पोटाश। इस फर्टिलाइज़र में 50% पोटाशियम होता है। इसे इस्तेमाल करने के लिए आप 1 टीस्पून SOP 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिला लीजिए और आपके पौधे में हर महीने एक बार इसे स्प्रे कीजिए। इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से आपके पौधे में ढेर सारे फ्लावर्स आएंगे और अगर वेजिटेबल का पौधा है तो उन फ्लावर्स से ढेर सारे वेजिटेबल्स आपके पौधे में लगेंगे। फ्रूट का क्वालिटी भी इंक्रीज होगा। इसके अलावा पौधे का ओवरऑल ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा होगा। जबकि पौधे का ग्रोथ ठीक से हो जाए और फ्लावर्स आने का टाइम आ जाए तब से आप इस फर्टिलाइज़र को आपके पौधे में स्प्रे कर सकते हैं। पौधे में फर्टिलाइज़र देने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं अब क्लियर कर देता हूँ। जब हम पौधे को ग्रो करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए पौधे का ग्रोथ और डेवलपमेंट का। इसीलिए सबसे पहले अपने पौधे में मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र, DAP फर्टिलाइज़र और इसके साथ एक अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अप्लाई करेंगे। उसके बाद जब पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा और पौधे में फ्लावर्स आने का समय हो जाएगा तब हम मास्टर केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र और DAP फर्टिलाइज़र अप्लाई करना बंद कर देंगे और इसके बदले एक अच्छा पोटाशियम वाला फर्टिलाइज़र जैसे कि SOP यानी सल्फेट ऑफ पोटाश अपने पौधे में देना शुरू करेंगे। इस तरीके से अगर हम अपने पौधे में फर्टिलाइज़र देंगे तो अपने पौधे में बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। यही था आज का वीडियो, आप किस तरीके से आपके पौधे में फर्टिलाइज़र डालें इसके बारे में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।